सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बार बार ये खिलाड़ी डोपिंग के उल्लंघन में क्यों फंस जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ये मामला पंजाब के क्रिकेटर अभिषेक गुप्ता का है, जिन्हें BCCI ने 8 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। अभिषेक का यह निलंबन 15 जनवरी साल 2018 से लेकर 14 सितंबर साल 2018 तक चलेगा। आपको बता दें, अभिषेक पंजाब की ओर से रणजी मैच में खेल रहे थे। गुरुवार को BCCI ने मीडिया को बताया कि अभिषेक ने अनजाने में एक प्रतिबंधित दवा का सेवन किया था, जिसके चलते उन्हें 8 महीनों के लिए क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि इस साल की शुरुआत में 15 जनवरी को अभिषेक ने दिल्ली में घरेलू T20 मैच के दौरान सैंपल दिया था और उनके इस नमूने में टर्ब्यूटलाइन नामक पदार्थ पाया गया है। आपको बता दें, ये खांसी के दबाव में पाया जाता है और ये पदार्थ वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सैंपल की रिपोर्ट आ जाने के बाद अप्रैल 2018 में अभिषेक पर डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन का चार्ज लगाया गया। अभिषेक ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि यह सब अनजाने में हुआ, लेकिन यह दावा अभिषेक को उनके डॉक्टर ने दी थी। अब देखना यह है कि 8 महीने बाद भी अभिषेक को खेलने का मौका मिलता है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।